This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 के तहत हमीरपुर के साथ लगते अमरोह चौक पर सोमवार देर रात सड़क पर चल रहे एक टेम्पो में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रक को काफी नुकसान हुआ है। दमकल विभाग के कर्मचारियों को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो वे घटना स्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। आग लगने से टेम्पो का अगला हिस्सा जलकर राख हो गया है, जबकि इसमें लदा लाखों रुपए का राशन जलने से बचा लिया गया है। यह टेम्पो पंजाब से राशन लेकर हमीरपुर की तरफ आ रहा था। टेम्पो को कुल्लू का चालक सुरेंद्र सिंह चला रहा था। जब यह टेम्पो नादौन से 20 किलोमीटर आगे अमरोह चौक पर पहुंचा तो इसके अगले हिस्से में आग की लपटें उठने लगी, जिसे देखकर टेम्पो चालक ने टेम्पो को बीच ही सड़क में खड़ा कर दिया और खुद सुरक्षित बाहर निकल आया। ड्राइवर ने दमकल विभाग को घटना की सूचना दी। दमकल विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और राशन को जलने से बचा लिया गया। हालांकि टेम्पो चालक को करीब 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाए तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।